हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज वो 4.3 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग स्केयरिंग का है। ठीक है, और जो अब की बार बोर्ड के अंदर क्या है कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्केयर का जो क्वेश्चन है क्लास 10th में वो क्या है कैंसिल कर दिया गया है। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला, एक फार्मूला जो होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। जैसे ये वाला पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² - 7x+3, इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। जो क्या होता है, डी पहले हम यूज़ करते हैं 20² - 4ac का। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, एक फार्मूला होता है -b + -√d बाय में 2a। ठीक है, पहले हमें डी निकालना होता है, डी निकालना है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये वाला हम उठा लेते हैं 2x² - 7x+3। तो पहले इसके अंदर हमें क्या है, डी का यूज़ करना है, डी का फार्मूला यूज़ करना है। डी का क्या होता है, 20² - 4ac। ठीक है जी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या लेंगे हम, बी की वैल्यू क्या लेंगे हम, -7। यहाँ पे -7² फिर हमने लिखना है 4। ए की वैल्यू क्या लेनी है आपने, ए की वैल्यू क्या 2 है, तो मल्टीप्लाई में 2। सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3। -7² कितना होता है, 49। अब इनकी मल्टीप्लाई करें 8 = 24, माइनस करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे 25 आ जाएगी। ओके, अब हम यहाँ से इतना करने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू। जब आपकी वैल्यू डी से क्या होती है, डी से बड़ी आती आपकी जो वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे डी कितना आ गया हमारे पास, 25 आ गया डी 25। जब आपकी डी की वैल्यू जो है बड़ी आती है 0 से, डी की वैल्यू जो है, सॉरी, डी की वैल्यू हमारे पास 25 है, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तब आपके एक्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 आ गई। अब हम आगे निकालेंगे एक्स की वैल्यू को, तो डी की वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं, डी है 25, एक्स का फार्मूला क्या आएगा हमारे पास, -b + -, यहाँ पे दो वैल्यू लिखते हैं, प्लस माइनस डी बाय में 2a, ये फार्मूला है। अब -b, माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 प्लस में माइनस में, प्लस माइनस दोनों साइन आ गए, रूट के अंदर डी की वैल्यू कितने, 25 है, √25 क्या होता है, 5 होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, बाय में 2a, 2 का 2 आ गया, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना गया, 4, एक बार हम इसको प्लस करेंगे बाय में 4, और एक बार हम इसको माइनस करेंगे और बाय में 4, प्लस करेंगे तो कितना गया, 12/4 कितना होता है, 3 आ गया, और 7 बाय, यानी कि 7 - 5 है, तो 2 2/4 कितना गया, 1/2 आ गया। तो हमारे पास दो आंसर क्या आ गए, 3 and 1/2। तो आप देखिए इसका आंसर क्या आता है, यहाँ पे 3 and 1/2 आता है। ऐसे हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये वाला है, इसको हम करेंगे 2x² + x - 4। यहाँ पे प्लस एक्स यानी कि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और सी की वैल्यू यहाँ पे -4 है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी निकाल लेंगे। डी का क्या फार्मूला होता है, 20² - 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4, ए की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई 2,
सी की वैल्यू माइनस फोर है, माइनस फोर वन, यहाँ पे एट एट फोर है 32, 32 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 32 हो गया। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गई। अब डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 33 है। ओके, अब हम करेंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 33 आ गई। एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a। ओके, एक्स इक्वल टू माइनस बी की, माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट डी, डी कितना 33 है, तो ये इसका ऐसे कैसे आ जाएगा 2a, a की वैल्यू कितनी 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, ठीक है। यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, एक आ गई माइनस 1 प्लस रूट 33 बाई 4, दूसरी क्या आ जाएगी माइनस 1 माइनस रूट 33 बाई 4। ओके, ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है, और ये यहाँ पे इसका आंसर ये दिया हुआ, देखिए ये आपका क्या था, डी वाला मेथड था। आपको फिर से फार्मूला बता देता हूँ, जब आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो पहले आप डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। अब डी के तीन रूल होते हैं, पहला रूल बता देता हूँ मैं आपको। पहला क्या रूल है, डी की जो वैल्यू है जीरो से छोटी आती है, यानी कि माइनस में आती है, तो उसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा आपका, ठीक है। डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है, डी की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है, तो आपके दो वैल्यू निकलेंगी, आपके दो वैल्यू निकलेंगी, और दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। दो वैल्यू निकलेंगे, दोनों आपस में इक्वल होंगी। थर्ड पॉइंट होता है, डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है, तो उसकी भी दो वैल्यू निकलेंगी, और दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। उसकी भी दो वैल्यू आएंगी, और लेकिन दोनों वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। ये तीन पॉइंट होते हैं इसके, डी के। डी की वैल्यू माइनस में आती है तो उसका कोई भी आंसर नहीं होएगा, डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आती है तो उसके दो आंसर होंगे, और दोनों वो सेम होंगे। डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो उसके दो आंसर होंगे, और दोनों अलग अलग होंगे। ओके, आपने पहले डी का फार्मूला लिख लिया, इसके तीन पॉइंट चेक करने हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स का फार्मूला क्या है हमारा, एक्स का फार्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a। ओके, ये हमारा फार्मूला है। पहले डी का फार्मूला यूज़ करना है, फिर आपने ये वाला एक्स वाला फार्मूला यूज़ करना है, और डी के वो तीन पॉइंट हैं उनको आपने ध्यान में रखना है। ओके, थैंक यू।